मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जी। एक बड़ा सवाल ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सिक्खी क्यों एक्सेप्ट नहीं की। ये जो सवाल है आज इसका जो सवाल का जो जवाब है वो भी मुझे यहाँ से मिला इस किताब के रूप में। तो आज जत्थेदार साहब से मिलके बहुत सारी जो जानकारियाँ थी वो हासिल की, क्योंकि मैं सीखने के समय में हूँ। बड़ी मैनू बड़ी चंगी गल लगी, मैनू एक चंगी गल लगी कि इन्हां दे मन दे अंदर एक ख्याल लैके आए ने। एक लीडर हुंदा जिहड़ा ओह आपदी जाति दे आपदे जिहड़े वर्ग दे लोकां दे बारे च जो सवाल रखदा, अज इन्हां ने सवाल जिहड़े कीते उहदे शंके निवृत्त कीते। ते इह गल इन्हां नूं जथेदार साहब ने जिक्र कीता कि इक किताब है जिहड़ी सबूतां सहित है कि भीम राव अंबेडकर सिख क्यों नहीं बन सकिया। इस देश के उदों जिहड़े काबज लोग सी, जिहड़े अंग्रेजां दे टाउट सी महात्मा गांधी वर्गे, उन्हां लोकां ने अंबेडकर साहब नूं सिख बनन तो रोकण दे विच वड्डा रोल अदा कीता। इस किताब दे विच इह सारा वर्णन है। ते मैं इक होर गल दस दिआं जिहदे लई मेरे मन दे अंदर आजाद लई सत्कार रहेगा। इह कहिंदा वी इस किताब दा मैं हिंदी वर्शन नहीं करवाउणा, मैं इस किताब नूं पढ़न वास्ते पंजाबी सिखूंगा। इह बहुत वड्डी गल आ, असीं इहदा सत्कार करदे हां। जो कमजोर तबके है उनके भले के लिए, उनको खड़े करने के लिए जो गुरुओं ने पहले से प्रक्रिया जो है प्रयास किए वो आगे बढ़े। और यहाँ इंसानों को इंसानों जैसा जीवन जो है, जो सिक्खी में का गुण है, जो सिक्खी की पहचान है कि मानव मानव एक समान, वो बना रहे, जो अभी किन्हीं कारणों से नहीं बना हुआ है। तो आज देश के हालात में ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के हालात जो हैं वो बड़े कमज़ोर किए जा रहे हैं षड्यंत्र करके। ऐसे में हमें एकजुट रह के अपने प्रदेश के लिए भाईचारे की एक नई पहल करनी चाहिए, और जो कमज़ोर लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिले उनके अधिकार किस तरह से मिले इसके लिए भी संघर्ष करना चाहिए। उसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं उन कुर्बानियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से जो है एक अच्छे विचार के लिए, एक अच्छे रास्ते के लिए और मानवता के भले के लिए कुर्बानियाँ सदियों से जो है दी गई और आगे भी देती हम लोग जो है रहेंगे। कौन लोग देश कमजोर कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश में भाईचारा बने। कौन है? और ये सब आरएसएस बीजेपी के लोग, ये वो लोग हैं जो इस देश को बांट के रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों से हमें अपने लोगों को सावधान रखना। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन ईसाई धर्म में परिवर्तन जो हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो सिख धर्म हो, बड़ी संख्या में हो रहा है, तो फिर ये प्रचार कहाँ रह गया? फिर हिंदू राष्ट्र के लिए प्रचार कहाँ है? देखिए, ये सेकुलर मुल्क है, इसमें संविधान है, सभी धर्मों पंथों को अपनी पूजा अर्चना उपासना करने का अधिकार है और उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। एक मुल्क पहले से जो है धार्मिक हुआ था पाकिस्तान के रूप में, उसका हमने इतिहास देख लिया कि उनको कितनी कीमत चुकानी पड़ी। हम अपने देश को ताकतवर देखना चाहते हैं और जिसकी पहचान है वो बनी रहनी चाहिए। मुझे लगता है किसी एक धर्म के बारे में अगर प्रयास किया जाएगा तो इससे बड़ा नुकसान होगा, देश में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, वो नहीं होना चाहिए। जथेदार साहब से आपकी जो बातचीत हुई उसका सारांश बता दीजिए। कितनी देर मीटिंग चली? देखिए, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे जी। एक बड़ा सवाल ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सिक्खी क्यों एक्सेप्ट नहीं की। ये जो सवाल है आज इसका जो सवाल का जो जवाब है वो भी मुझे यहाँ से मिला इस किताब के रूप में। तो आज जत्थेदार साहब से मिलके बहुत सारी जो जानकारियाँ थी वो हासिल की, क्योंकि मैं सीखने के समय में हूँ, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। तो ये भी एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से आप सीख सकते हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया जत्थेदार साहब? जत्थेदार साहब ने आश्वासन दिया, उनका आशीर्वाद है कि इस लड़ाई में जो है उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहे, और मैं उनसे वादा करता हूँ कि मानवता के भलाई के लिए जो भी काम मुझसे बन पड़ेगा मैं उसके लिए लगातार तैयार रहूँगा। मैं कभी इस देश में मानवता किसी लड़ाई को नहीं चूकूंगा। बहुत बहुत इस जो है पवित्र दरबार साहब पे जो है आके अच्छा लगा। अच्छा, एक पंजाब के साथ एक बड़ा क्राइसिस चलता आ रहा है कि हमारे जो सिख कैदी हैं उन्हें 30-30, 35-35 साल से जेलों में बंद रखा गया, संविधान की
भावना के उल्ट काम चल रहा है, चाहे उसमें कांग्रेस थी चाहे बीजेपी है, सभी एक ही समान काम कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में संविधान है, इस देश में आईपीसी है, सीआरपीसी है। अगर किसी के द्वारा कोई अपराध किया गया है तो उसकी एक सजा जो है, एक सीमित समय जो है वो मुकर्रर है। कहीं 7 साल की सजा, कहीं 10 साल की सजा है, किन्हीं उसमें 20 साल की, कहीं आजीवन है। लेकिन जिनकी सजाएं पूरी हो गई उनको राजनीतिक एजेंडे सेट करने के लिए जेल में नहीं रखना चाहिए। मेरी पिछली सरकारों से तो अब उनकी तो है ही नहीं जिनकी है, उनसे अपील है कि वो मानवता का भी ध्यान रखें। जानबूझ के अपने राजनीतिक षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए किसी को बंद ना रखें। ये मानवता का जो सारांश है, मानवता का जो किस्सा है, उसके साथ भी अपराध है। ठीक है, तो सरकार से हमारी मांग है कि जो बंदी सिख हैं उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें, जिससे कि न्याय उनके साथ न्याय हो। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होता है और चुप्पी रखी जाती है तो ये गलत है। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बंदी सिखों को जल्दी जल्दी रिहा करें। चंद्रशेखर आज़ाद एक दुनिया के अंदर, खास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा चंगा नाम है। जिहड़ी यूपी है, जिथों हिंदुस्तान की सरकार बनती है जी, यूपी दे विच इस आज़ाद नाम के इस नौजवान ने यूपी नूं हिला के रखता, सेंटर हिल चुकया। उहदा कारण की है कि ये दबे कुचलियां की गल करते ने। गुरु साहिबान ने सानू ये कहा सी कि इन गरीब सिखन को द्यों पातशाही याद करे हमरी गुरियाई। दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद करने वाला अज भीम आर्मी का जिहड़ा सेवादार है वह दरबार साहब आया, साढ़े लिए बड़ा सत्कार है। सिंह साहब के कोल इन्होंने दर्शन किए ने, इन्होंने विचारों की सांझ पाई आ। मैं एक इंसीडेंट तुहानू अंदर दी दस देना चाहुंदा कि दुनिया के अंदर जिहड़ा सिखी नाल प्यार रखता, मनुखता की गल करता, मानवतकारां की गल करता, तो वह जदों भी सिख इतिहास कित वर्णन होंदा तो उहदे अखां विच हंझू होंदे आ। अज जदों साहिबजादियां की गल चंद्रशेखर याद कर रहा सी, उहदी अखां विच हंझू सी। इस गल दी असीं कदर करदे इन्हां नूं, आयां नूं, जीयां नूं। साडी लड़ाई उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ आ जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ गुरु साहिब ने सानूं स्थापित किया। गुरु साहिब ने जिहड़ी सिख कौम साजी, सो इस करके दलित की कोई भी गल आउंदी है क्योंकि गुरु साहिब ने दलितां नूं सत्कार दिता, पछड़ियां नूं सत्कार दिता। अज्ज साडे कोल आए ने, तख्त साहब वालों भी सत्कार मिलिया, श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सेवादार होने के नाते इन्हों जी आया कहने हैं। दिल तो इन्हों गाइडा सत्कार करते हैं, असी पूरा आस करते हैं कि ये जी लड़ाई लड़ गए, दलित की लड़ाई दबे पिछले लड़ाई के असी पूरा साथ देंगे। गरियाल साहब एक ने किताब लिखी है जिसे दो फोटो बनी हुई ने, फोटो तो सारे भली भांति जानते हैं। एक बड़ा वाला सक होया कि इतने डॉक्टर अंबेडकर जिहड़ा सिख धर्म को अपना लिए पहुंचे, बड़ी मैनू बड़ी चंगी गल लगी, वापस भेज दिते गए। मैनू एक चंगी गल लगी कि इन्हां दे मन दे अंदर एक ख्याल लैके आए ने। एक लीडर हुंदा जिहड़ा वह आपदी जाति दे आपदे जिहड़े वर्ग दे लोकां दे बारे च जो सवाल रखदा, अज इन्होंने सवाल जिहड़े कीते उहदे शंके निवृत्त कीते। तो यह गल इन्हां जथेदार साहब ने जिक्र किया कि एक किताब है जिहड़ी सबूतां सहित है कि भीमराव अंबेडकर सिख क्यों नहीं बन सकिया। इस देश के उदों जिहड़े काबज लोग सी, जिहड़े अंग्रेजां दे टाउट सी महात्मा गांधी वर्गे, उन्हां लोकां ने अंबेडकर साहब नूं सिख बनन तो रोकण दे विच वड्डा रोल अदा कीता। इस किताब दे विच इह सारा वर्णन है। मैं एक होर गल दस दिया जिहदे लई मेरे मन दे अंदर आज़ाद लई सत्कार रहेगा। ये कहिंदा भी इस किताब का मैं हिंदी वर्शन नहीं करवाउणा, मैं इस किताब नूं पढ़न वास्ते पंजाबी सिखूंगा। ये बहुत वड्डी गल आ, असीं इहदा सत्कार करदे हां। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जान साहब आपके साथ जो आपके साथी हैं उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, कौन कौन है? हमारी स्टेट की लीडरशिप है यहाँ की, हमारी हरियाणा की लीडरशिप, और जो भी आपके माध्यम से मुझे देखेंगे सब तक संदेश चला जाएगा कि हमारी आस्था हमारे गुरुओं में, महापुरुषों में कितनी मजबूत है। मैं बस यहाँ से पूरे मानव कल्याण के लिए, देश और दुनिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, अरदास करूँगा कि सब चढ़ती कला जो है महाराज के आशीर्वाद से रहे, सब जो हैं आगे बढ़े और देश की तरक्की में योगदान करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आजाद साहब, एक दो सवाल है हमारे। पहला सवाल तो ये है कि 2024 आ रहा है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि
आपकी भीम आर्मी और सिखों की कुछ राजनीतिक सांझ बन सकती है? ये दरबार साहिब है, ये धर्म की जगह है। ओके, और मैं धर्म में राजनीति को मिक्स नहीं करता। संविधान की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि ह्यूमन राइट्स को वायलेशन ना हो, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रही है, और आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर आदित्यनाथ, वो सबसे ज़्यादा बड़ी अपने आप को डाउन समझ के काम कर रही हैं। देखिए, वो जो सरकार है ना, वो आरएसएस के लोगों की सरकार है, और आरएसएस के लोगों ने कभी संविधान को नहीं माना। आरएसएस के लोगों ने हमेशा कमज़ोर को दबाने का काम किया। उन्होंने देश के संविधान के खिलाफ सारे काम किए। जिन पे बंदी सिंह पे हम बात कर रहे हैं, वो भी संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। जो भी संविधान के विरुद्ध काम होगा, जो भी करेगा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है, मैं इस बात को मानता हूँ। वहाँ हिटलर शाही चल रही है, लेकिन ये कुदरत का निजाम, प्रकृति परिवर्तन करती है। जब अन्याय बढ़ेगा, तभी अच्छे लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।